और अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान क्या किया। दिल्ली की सियासी हलचल तेज हो गई। एक तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने केजरीवाल के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात पर चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि विधायक दल की बैठक में दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। साथ ही उन्होंने साफ किया कि मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे, जिसके बाद हर तरफ नए सीएम के नाम की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने का फैसला आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में लिया था। सूत्रों का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने शीर्ष नेताओं से कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि मनीष सिसोदिया के घर पर हुई दूसरी बैठक में केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर अंतिम रणनीति बनी और अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेल में ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। तो अरविंद केजरीवाल के सीएम की कुर्सी छोड़ने के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर हो गई। साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए और केजरीवाल के ऐलान को एक नया ड्रामा बताया। बाहर आए हैं तो जेल में रहकर तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया, यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकार रोकती है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे, तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पर पहुंचा दिया था। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलओ को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलओ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं, वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में इस्तीफे का ऐलान कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे और विधायक दल की बैठक में दिल्ली के अगले सीएम का ऐलान होगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया सीएम नहीं बनेंगे। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। और
और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। और ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई की पहली तस्वीर। 14 सितंबर की तस्वीर देखिए, जिस वक्त हनुमान मंदिर पहुंचे थे अपनी रिहाई के बाद, अपनी पत्नी अरविंद सुनीता केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, और साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी उनके साथ यहाँ हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन के लिए पहुंचे। और ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, एक ऐसा फैसला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया कि अगले दो दिनों में वो इस्तीफा दे देंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए बताया कि केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने का फैसला आखिर क्यों लिया। राघव चड्ढा है न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। आज दिन की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, राघव कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, और अब बैठक होने वाली है, किसके नाम का ऐलान होगा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ मीडिया की खूब दिलचस्पी है इस बात में, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी बात यह है और दिल्ली की जनता के लिए ज़रूरी बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। आज अग्नि परीक्षा से गुजरने का फैसला अरविंद जी ने लिया है। जनता फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहती है। कौन महीने, दो महीने, चार महीने के लिए केयरटेकर सीएम बनता है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है इस अग्नि परीक्षा से अरविंद केजरीवाल जी का गुजरना और कैसे लोग उनकी ईमानदारी पर मोहर लगाएंगे। ये सुनीता केजरीवाल के लिए बीजेपी कह रही है कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या ऐसा है? विधायकों में से बनेगा या सुनीता बीजेपी के बयान पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता, उनको स्वतंत्रता है, जो बयान देना है दें। लेकिन आज जो बड़ी बात यह है कि इस दौर में कोई अपनी चपरासी की नौकरी से, कंडक्टर की नौकरी से भी इस्तीफा नहीं देता, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी। आखिरी सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि जब वो जेल में थे उन्होंने तब इस्तीफा नहीं दिया, अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके पीछे क्या सोच है? इस्तीफा देने की जो समय तिथि है वो तो केजरीवाल जी तय करेंगे, कोई और तो तय करेगा नहीं। और जहाँ तक जेल में रहते हुए इस्तीफा देने की बात है, उन्होंने खुद अपने आज वक्तव्य में बात साफ करी कि वे नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की एक प्रेसिडेंट बन जाए कि मुख्यमंत्री को पकड़ो और जेल में इस्तीफा कराओ। उन्होंने कहा, मैं बाहर आकर सुप्रीम कोर्ट से बेल लेने के बाद इस्तीफा दे रहा हूं, बड़ी चीज है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला, केजरीवाल को यू टर्न मास्टर बताया। हमारे साथ मौजूद हैं बासुरी स्वराज जी, सांसद दिल्ली से। मैडम, ये अब ये भी आप नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि वो पहले ऐसे नेता हैं, इकलौते ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच जाते हैं। देखिए, दावा उनका सरासर गलत है। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर एक दशक से विधायक साहब ना गलियों में दिखते, ना सड़कों पे दिखते, यहाँ कोई काम नहीं कर रहे। आके जरा देख लीजिए दिल्ली का क्या हाल हो रखा है, दिल्ली पूरी जर्जरा रही। अपनी बेल कंडीशन की विवशता पर आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने नैतिकता का आवरण ओढ़ने का स्वांग रचा है, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। हाल ही के गए हुए लोकसभा चुनावों में जेल का जवाब वोट, ये केजरीवाल जी का ही कैंपेन था, लेकिन दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीटों पे कमल खिलाकर इनके भ्रष्टाचार का जवाब इन्हें दिया है। क्या अब मांग करती हैं इस कदम के बाद, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये घोषणा करेंगे वो। ये कदम जो आज इन्होंने उठाया है, इसे बहुत संजीदगी से मत लीजिएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मास्टर ऑफ यू टर्न हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये इस्तीफा तो 177 दिन पहले आ जाना चाहिए, पर 48 घंटे का समय केजरीवाल जी क्यों चाहते हैं? क्या इनके
पार्टी में किसी प्रकार का सत्ता को लेकर दंगल चल रहा है क्या? और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो अचानक से इनकी अंतरात्मा जागी है, ये 177 दिन तक क्यों सो रही थी